हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो अभी का जो टाइम है फ्रेंड्स, वो हमारे सभी परमानेंट प्लांट्स, जितने भी हमारे फूलों वाले परमानेंट प्लांट्स होते हैं, सभी में ग्रोथ का बेस्ट टाइम है। इस समय प्लांट जो है हमारी ग्रोथ पे आ जाते हैं। इसी टाइम में हम अपने सभी प्लांट्स की कटाई छटाई या फिर उनमें फर्टिलाइजर जो है देते हैं, ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं पूरे समर अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने प्लांट्स की या तो हार्ड प्रूनिंग या तो फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सारे मेरे गुड़हल के प्लांट हैं, जिसे मैंने जिसकी कटाई छटाई नहीं की है, और इसके ब्रांच इस तरह से लंबे लंबे हो गए हैं और इसके पत्ते भी इस तरह से छोटे छोटे निकल रहे हैं। लेकिन अब मुझे इसकी जो कटाई छटाई है वो करनी है। तो कटाई छटाई के लिए बेस्ट मंथ जो होता है फरवरी का होता है। फरवरी से लेकर पूरे मार्च आप अपने प्लांट्स की कटाई छटाई जो है वो कर सकते हैं। तो फरवरी में आप अपने प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी नीचे से अगर आते हैं तो अपने प्लांट्स को कट कर सकते हैं, और इससे होता है कि प्लांट्स में न्यू ग्रोथ जो है अच्छे से स्टार्ट हो जाती है और ढेर सारे ब्रांच भी निकलती है, और जिससे कि फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गुड़हल के प्लांट है जो मैंने आपको दिखाया, इसकी मैं आज कटिंग और प्रूनिंग, और मैं एक बढ़िया सा फर्टिलाइजर भी दूंगी। इस तरह आपके पास जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं ये मेरा अलमंडा का प्लांट है, तो इसे भी मैंने कट कर दिया है, और इधर आप देख सकते हैं ये मेरा बोगनविला का प्लांट है, तो इसकी भी मैंने इस तरह से प्रूनिंग जो है वो कर दी है, और इसमें न्यू ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास जितने भी प्लांट हैं, फूलों वाले परमानेंट प्लांट है, सभी की आप इस तरह से कटिंग कर दीजिए। तो चलिए मैं अपने गुड़हल प्लांट को कट कर देती हूँ। देखते हैं कि इस तरह से हमारे गुड़हल के प्लांट में बर्ड्स भी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि प्लांट काफ़ी ज़्यादा लेगी हो गया है, तो हमें अभी बर्ड्स का लालच जो है वो नहीं करना है। इसे ढेरों फूल लेने हैं पूरे समर, तो हमें इसे कट करना ही होगा। दोनों गुड़हल के प्लांट को इस तरह से कटाई छटाई जो है वो कर दी है, आप देख सकते हैं। और पॉट हैं या फिर ग्रो बैग हैं, सबकी मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। इस तरह किसी भी परमानेंट प्लांट की, गुड़हल प्लांट की या फिर जो भी आपके पास परमानेंट फूलों वाले प्लांट हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो मैं अपने प्लांट की रिपोर्टिंग जो है नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दी है, और यहाँ पर थोड़ा सा गहरा इसे इस तरह से गुड़ाई कर दिया, इसकी मिट्टी को हटा दी है, ताकि हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र जो है वो दे सकें। हार्ड प्रूनिंग करते हैं या फिर कटिंग करते हैं, तो कटिंग करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट वर्क होता है जो हमें करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी जो ऊपर की जो टिप है, इस तरह से ये खुली हुई है, तो यहाँ पर से इसमें फंगस भी लग सकता है और प्लांट्स की जो ब्रांच है ये ख़राब हो जाती है। प्लांट यहाँ से ख़राब ना हो, उसके लिए आपको यहाँ पर एलोवेरा जेल या फिर आपके पास नेल पॉलिश है तो उसे भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सभी हेवी फर्टिलाइज़र वाले प्लांट होते हैं, इन्हें खाद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी अच्छी मात्रा में हम इन्हें खाद देंगे, उतने ही ज़्यादा ये जो प्लांट है फ्लावरिंग करेंगे। तो अभी का जो टाइम है ये फर्टिलाइज़र देने के लिए भी प्लांट्स के लिए बेस्ट है। तो अभी हम सॉलिड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देंगे, फिर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ने लगती हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं कि हमने फर्टिलाइज़र भी रेडी करके रखा है, जो कि काफ़ी सस्ता है और फ्री का भी इसे आप कह सकते हैं। फर्टिलाइज़र तो आपको अपने घर में ही मिल जाते हैं, इसे खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इधर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने प्लांट के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र लिया है, तो ये है गोबर की खाद, जिसमें NPK जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो गोबर की खाद तो हमारे सभी प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है। और इधर मैंने कुछ केले के छिलके लिए हैं और कुछ संतरे के छिलके भी। देख सकते हैं ये हल्दी है, तो हल्दी जो है हमारे प्लांट्स को फंगस से, कीड़े मकोड़ों से और कोई भी बीमारी लगने से बचाती है। तो हल्दी का भी यूज़ हम अपने गार्डन में करते हैं प्लांट्स पे, और ये हमारे किचन में ही मिल जाता है। इधर आप देख सकते हैं ये है प्याज के छिलके का पाउडर, तो इस तरह से प्याज के छिलके को मैं सुखाकर इसे रख लेती हूँ। छिलके आप देख रहे हैं, इसमें ढेर सारे पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, पोटेशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इस प्याज के छिलके में पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाने में मदद करते हैं। तो प्याज के छिलके जो हैं काफ़ी उपयोगी होते हैं, तो इसे फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सरसों की खली, तो सरसों की खली आपको जहाँ से सरसों का तेल निकलता है वहाँ पर आपको जो खली है काफ़ी सस्ते में 20 या 30 रुपये में ही मिल जाएगी। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्सर में ग्राइंडर करके इसका पाउडर बना लिया है। तो सरसों की खली काफ़ी इफेक्टिव होती है हमारे प्लांट्स के लिए, और इसे हमारे प्लांट्स पे अच्छे से कलियाँ बनती है और ढेरों फ्लावर्स भी खिलते हैं, और इसमें ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होती है। और इसमें ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और NPK भी पाया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो फर्टिलाइज़र है मैंने लिया है, जिसे मैं अपने गुड़हल के प्लांट पर या फिर सभी फूलों वाले प्लांट्स पर दूँगी फ्रेंड्स।
चलिए, जितने भी फर्टिलाइज़र मैंने आपको दिखाए हैं सभी को मैं अपने गुड़हल के प्लांट में दे दूंगी। तो अभी प्लांट्स में ग्रोथ का टाइम होता है तो ढेर सारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत उन्हें पड़ती है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करे। कि नीचे मैंने कुछ केले के छिलके जो हैं वो डाल दिए हैं। केले के छिलके काफ़ी इफेक्टिव होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। इसमें पोटासियम जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिससे हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग अच्छी होती है। तो जितने भी फर्टिलाइज़र है काफ़ी इफेक्टिव हैं और सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये सारा फर्टिलाइज़र जो है मैं एक ही प्लांट में डाल दूँगी, इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे प्लांट्स को सॉलिड फर्टिलाइज़र की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब तक हमारे प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग करेगा, तो ये सारे फर्टिलाइज़र जो हैं उसके बहुत ही काम आएंगे। आप देख सकते हैं एक महीने के अंदर ही हमारे प्लांट जो है वो फूलों से भर जाएगा। इस तरह से हमें मिट्टी से अच्छे से जितने भी फर्टिलाइज़र हमने डाले हैं सभी को अच्छे से मिट्टी से ढक देना है और हल्के हल्के इनमें पानी भी हम दे देंगे। अगर अपने प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग या फिर उनमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो दे दीजिए, अभी बहुत ही अच्छा टाइम है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा ये फर्टिलाइज़र? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।